नाश्ते भी आप इस तरह के प्रॉब्लम खा जाए करेंगे जो पाकिस्तान में आ रहे हैं पाकिस्तानी ने तो आज तक ग्लोबल नहीं सोचा आज तक जितने मर्जी कर रहे हैं नवाज शरीफ इमरान खान ये अपने अपनी 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 उम्र तक रहेंगे द डे दीज पीपल डाई एवरी थिंग एल्स विल कलेप्स इन देर ओन फैमिली इज़ नॉट इक्विप टू हैंडल द नेक्स्ट मूव आपने सो तो नस्लें चमकानी हैं और किसकी पूरी दुनिया के गा। उन गैरों की जिनको अब अभी जानते भी नहीं हैं और ये पैटी पॉलिटिक्स से निकले छोटे छोटे फिरकों की ये जीत भी गए तो तब भी हार गए हार भी गए तब भी हार गए साहिल भाई भी रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ देखी कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बैन कर दिया गया <laughs> और हमें समझ भी आती है कि ज़ाहिर जो शख्स भी हक़ की कोई बात करे जो गवर्नमेंट को पसंद आए या फिर जो बंदा पावर में है उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे टॉक्सिक इन्वामेंट के अंदर और हमने पॉलिटिक्स को भी तलाक दे देनी है और हमने पॉलिटिकल ये अपनी पॉलिटिक्स को टेक ओवर भी करना है यूथ ने तो जब हम इतना दूर रहेंगे और इतना दबा दिया जाएगा तो आप कोई प्लान दें यूथ के लिए कि वो कैसे क्या स्टेप्स ले इनको फ़ाइट करने के लिए देखिए जब तक आप लोकल खेलेंगे तो फिर आप कभी भी लोकल फतह नहीं करेंगे लोकल तो ये दो नंबर कौम की खून ही गंदा कर दिया गया है इन्होंने तो यू कैन नॉट फाइट द क्रॉकर इन दू नो विद इन दवांप स्वॉँप से बाहर जाए और ब्लास्ट द क्रॉकडाइल ऑल द क्राकडाइल आउट हाउ यू फाइट द बिगर फाइट विद द बिगर फिश वेल मछलियों से लड़ाई करें छोटे छोटे मगर मच्छियों से कुछ नहीं होना ये छोटे छोटे दिस इज अटर डों डोंट जम्पिन टू दिस ग्लोबल सोलूशंस टू ऑल द मुस्लिम मैं स्टार्ट मुस्लिम से करूँ मैं तो गैर मुसलमों को बचाने का जिम्मा भी इस्लामी है हमारे पास मुसलमान कन्वर्ट नहीं करने हमने म को कन्वर्ट इंटू यू नो मजलूम को बचाना है और उसको ताकत देनी है कि तू ताकतवर में कन्वर्ट हो चाहे तो गैर मुस्लिम ही रहे ये हमारा आगे का गोल है तो मैं क्यों फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ वाई वाई डू आई स्टार्ट विद पैलस्टाइन एंड यू नो सूडान से लेकर इंडोनेशिया तक पाकिस्तानी मुसलमान यूथ एक्टिव रोल प्ले कर रहा हो पाकिस्तान की तो मतलब नाश्ते में आप इस तरह के प्रॉब्लम खा जाए करेंगे जो पाकिस्तान में आ रहे हैं पाकिस्तानी ने तो आज तक ग्लोबल नहीं सोचा आज तक ये इसीलिए तो मरवाए इन्होंने हमें और अरेबियन फ़िलासफ़ी हमेशा ग्लोबल खेलती आई ठीक है और छोड़े अरेबियन सब की तो चलें आप तो बिल्कुल ही दो नंबर हो गए ना गोरे ने कब लोकल सोचा है आज तक गोरे के तबे है पूरी दुनिया क्यों विक्टोरिया से शुरू हुए और टॉम ग्रूस तक हर कोई ग्लोबल खेल रहा है जो फील्ड में जाए वो ग्लोबल सोचते वाई डू वाई वाई इज मैकडानल्ड इन एवरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड वाई वो ग्लोबल सोचते थे ना विक्टोरिया ने तो नहीं खाली ग्लोबल सोचा उनके बिजनेस मैन भी ग्लोबल सोचते हैं उनके हॉलीवुड भी ग्लोबल सोचता है उनके फाश तरीन इंडस्ट्री भी ग्लोबल सोचती है और हमारी पाक तरीन इंडस्ट्री भी लोकल सोचती ये ये मसला है इसलिए ईमान खान नवाज शरीफों से निकले ये बहुत छोटे तालाब के अंदर आपको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ा खेले इन इन्होंने आदि ये बेचारे ये लकीर के फ़कीर थे जो इनके माँ बाप ने सिखाया आपने भी वही कर लिया आपने सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल प्रॉब्लम्स देखनी है किस वक्त दुनिया के किस कि, किस मसले मसले का हल इस वक्त आप कर सकते हैं मैंने आपको आपस्टाइन इसलिए दिए कुरान खुद फ्यूल करेगा आपकी एनर्जी फलस्तिन के लिए मैंने क्यों उन उन प्रोजेक्ट्स के अंदर खुद अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है फाइनेशली भी सोशली uh, भी बिकॉज मैं मॉरली इन्वॉड हूँ उनके अंदर आप मॉरली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर जो मर्ज़ी कर लें बिज़नेस है बिजनेस में नहीं इतनी एनर्जी और तहरीक कि आपको पचास पचास सौ सौ साल तीन तीन ती, सौ साल के प्लान बनवाए आपसे ये इस्लाम ही है जो आपकी अपनी उम्र से भी आगे के प्लान बनवाता है क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे मरने के बाद भी ये काम जारी रहेगा जितने मर्ज़ी कर लें नवाज शरीफ इमरान खान ये अपने अपनी 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 उम्र तक रहेंगे The day these people die, everything else will collapse. In, in their own family is not equipped to handle their, the next movement, even if they claim to be. They don't even have the plan for it. Why would they plan for it? Because this is just a one man's game that you know, one man's gain. You know, in a game mentality. Islam, you one man's gain. Islam is if you are one man army for your own gain. If one man's gain, then to religion not आपने सौ नस्लें चमकानी हैं और किसकी पूरी दुनिया के उन गैरों की जिनको आप अभी जानते भी नहीं हैं अपना अपना खेल नहीं है अपनी नस्ल खेलने नहीं आए आप दुनिया में सो हैरत की बात यह है कि घोरे को गैर इस्लाम को गैर मुस्लिम को बगैर कुरान के समझ आ रही है बात और हम कुरान पाक रख के भी ये बात समझ नहीं रहे क्यों जिस बंदे ने कुरान पाक पकड़ा हुआ है वो उसके नाम पर दो नंबर फलसफा बेच रहा हमें ये मसला हुआ है हमारे साथ अब क्या करें मैं वही तो ताकत देना चाह रहा हूँ जूथ को कि भाई सवाल पूछें आप सवाल पूछें आप अल्लाह ताला आपसे खुद बात करते हैं कुरान पाक में ओके जितने मर्जी मौवी साहब क्लेम कर लेंगे अल्लाह ताला ये मतलब है आप कहें भाई मौलिक साहब आपका नाम जिब्राइल है आप बताएं आपका नाम जिब्राइल है आपसे अल्लाह ख़ुद बात करते हैं और भाई कुरान पाक में लिखा है मैं खुद पढ़ लूँगा आपके तर्जुमे से तो मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह ने यह बात की आई एम गोइंग टू हैव टू लर्न इट माई सेल्फ आपका नाम अनायत हुसैन है तो आप अपने अपना फतवा एक्सप्लेन करें प्रूव इट टू मी कि आप ठीक हैं इफ़ यू कैन नॉट प्रूव इट टू मी देन आई एम सॉरी आई एम अ मुस्लिम मैन आई एम नॉट दिस क्लोज माई आईज कि हाँ तू मुझे एक मुझे जन्र में ले जाए दो में ले जाए ऐसे नहीं होगा आप अफला या अल्लाह तला कह रहे खुद क्यों नहीं अकल की थी तू कुरान पाक में अल्लाह अल्ल ता है अल्लाह त एक भी दफ़ा कहा ना कि जब मुफ्ती फतवा दे मान लो जब कॉलेज के प्रोफेसर बताए मान लो जब अबू ने कहा है वही अल्लाह ने कहा है ऐसे तो अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा हुआ गौर सब इस बात को इन इन तीनों बंदों ने मरवाया हमें घर के बाप ने मस्जिद के मौलवी ने और कॉलेज के प्रोफेसर ने ये इनको मैं तीन बाबे बोलता हूँ द थ्री पीपल हु रू एंड द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मुस्लिम एंड द पर्पज़ ऑफ अ मुस्लिम इन दिस प्लान मोस्ट ऑफ ऑल द आइडेंटिटी दर अ मुस्लिम यूथ इज डिमेंडिंग नाउ इतनी अकल आ गई आप यूथ को खुद सवाल करता हो कि भैया ऐसे नहीं मानूंगा ये पैटी पॉलिटिक्स से निकले छोटे छोटे फिरकों की ये जीत भी गए तो तब भी हार गए ये हार भी गए तब भी हार गए किस मर्जी फिरके में चल जाए आप बड़े मसले में आए और असली सियासत शुरू करें जिस दिन आपने करना पड़ा था आप सियासत में दाखिल हो गए थे अब जिधर जिधर कल में वो खतरा है उधर उधर आपने ये सियासी इंतजाम करने हैं लोकल पाकिस्तान पाकिस्तान ना खेलें शाबाश शाबाशाह बहुत बड़े हैं पाकिस्तान से आप ओके यूर आ मुस्लिम पाकिस्तान इंशाल्लाह खुद ही बचेगा पाकिस्तान सिर्फ वही बचवा सकता है जो ग्लोबल ताकत हो आप खुद बने ना ग्लोबल ताकत आपने पाकिस्तान ही बचाना है तब भी आपको फ़िलिस्तीन बचाना पड़ेगा मैं अभी भी बता रहा हूँ